कम बिजली बिल से परेशान हो चुके स्कूल अब बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने लगे हैं। वैशाली जिले के बिदुपुर स्थित एक स्कूल में सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। पब्लिक स्कूल इन दिनों सौर ऊर्जा से ज्ञान की रोशनी बांट लोगों के लिए ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक नजीर पेश कर रहा है। अब तो स्कूल में ट्यूबलाइट से लेकर पंखा, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास के साथ सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, प्रिंटर है, आरोग्य वाटर है, समरसेबुल है, बहुत सारा। गर्मी में लोड पड़ता था तो जनरेटर का भी हालत खराब हो जाता था, और ये अभी सोलर है, गर्मी के टाइम वास्तविक सी बात है कि धूप ज़्यादा रहेगी तो ये पावर भी ज़्यादा देगा, तो इसमें हमको बहुत हेल्प मिल जा रहा है और ये बहुत ही सक्सेस है। और गवर्नमेंट के सब्सिडी का स्कीम है तो इसमें मुझे इसको लगाया हूँ मैं। स्कूल में सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकारी तौर पर सब्सिडी के रूप में आर्थिक मदद मिली है, जिससे स्कूल में सौर प्लांट लगाने में काफ़ी सहूलियत मिली है। वहीं भीषण गर्मी के इस मौसम में कक्षाएं सुचारू रूप से चलने से छात्र से लेकर शिक्षक तक खुश हैं। सोलर पैनल लगने से भी बहुत बेनिफिशियल है, क्लासेस कंटिन्यू चलते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है स्मार्ट क्लास वगैरह लेने में। पहले परेशानी होती थी, वोल्टेज की भी प्रॉब्लम थी, जिस कारण क्लास बीच में कभी कभी पे कंटिन्यू मतलब नहीं हो पाता था, बीच बीच में रोकना पड़ता था, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर बच्चों को काफ़ी बेनिफिट है, कंप्यूटर लैब वगैरह कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कंटिन्यू चलता है, फैन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू मतलब चलता है, तो इससे हम लोगों को बहुत सहूलियत मिली है। ठीक से चला सकते हैं और ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है। वैशाली का ये स्कूल उनके लिए आईना है जो बिजली कटौती का रोना रोते रहते हैं। अब तो सरकार की तरफ से वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।